क्या तुमने लगाया है शोले का म्यूजिक तुम दिखा रहे हो इसमें, फिर तुम इसमें पाकिस्तानी मूवीज की क्लिपिंग लगा रही है क्या? मतलब समझ में मेरे नहीं आई बात यार। ये देखो भाई, ये बात शोले रिवोल्यूशनाइज्ड एवरीथिंग। बिल्कुल, आपको पाकिस्तानी फिल्मों में मौसीकी की बात से पहले बता देता हूँ, ऐसे कैरेक्टर्स मिलेंगे जो शोले से उठाए गए हैं। अच्छा, कैरेक्टर ही ऐसे? हमारी एक फिल्म आई 1976 में, गुलाम मुहिद्दीन साहब उसमें हीरो थे। अच्छा, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि उनको पता नहीं था। शमी मारा ने एज इट इज छाप दी थी बहुत सारी चीजें। बसंती ये भी था। उसके बाद एक परवेज मलिक साहब जो बहुत अच्छी फिल्में बनाते थे लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं से उस जमाने की नई चीज उठा देते थे। अच्छा, उन्होंने एक फिल्म बनाई रिश्ता, उसमें तांगे वाली। अच्छा, एंड दैट तांगे वाली वाज अंजुमन। और अंजुमन टट 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 ए बाबू नूर को 5 रुपए 5 रुपए 3 रुपए 3 रुपए 2 रुपए 2 रुपए, मतलब बिल्कुल उन्होंने बसंती वाला बसंती का कैरेक्टर डाल दिया। तेरी की सुबह किसका मुंह देख लिया, कोई सवारी हाथी नहीं आ रही। और हमारे एक विलन आते थे हुमायूं कुरैशी साहब। हुमायूं कुरैशी साहब ये थे तो पठान और बहुत अच्छी पश्तो फिल्मों में शुरू में आए हैं, लेकिन उसके बाद मिड 70s से इनको बॉलीवुड का किला काट चुका था। अच्छा, और ये है इन हाथों में हथकड़ियां डालना चाहती हो, इन हाथों में ये सब शुरू हो गए थे। अच्छा। तो वो तो फिल्म में विजुअली चेंज हो गया, बैकग्राउंड में जो चेंजेस आई हैं वो ये म्यूजिक वाली जो आपने सवाल किया। मुझे लगता है म्यूजिक से ज्यादा आगे चेंजेस आ नहीं सकी। प्रोड्यूसर्स जो थे उनको इतनी शोले पसंद आई हुई थी कि वो म्यूजिक डायरेक्टर से कहते थे यार इसमें ये वाली चीज डाल, वाली म्यूजिक कहीं से बता दो। रॉबिन घोष जैसा अकॉम्प्लिश्ड म्यूजिशियन नहीं, अभी नहीं, 1980 में जो उनकी फिल्म आई उसमें वो गाना है समा वो ख्वाब सा समा, उसकी स्टार्टिंग है वही गिटार स्पैनिश गिटार, वो जो रिफ कहते हैं ना समा वो ख्वाब सा समा। दूसरे नंबर पे आए हसन तारिक साहब, बहुत बड़े डायरेक्टर, उनकी फिल्म थी संगदिल। उसमें एक सीन था कि बिंदिया जो है वो कैरेक्टर जो है ऊपर से उतर रहा है और नीचे नजीम साहब वेट कर रहे हैं। तो वहां पे आए फिर उसके बाद टाइटल ट्रैक्स इंस्पायर होने लगे शोले के टाइटल से। एक फिल्म बन रही थी 1983-84 में लाजवाल। Okay. उसका पहला सीन आया कि शमनम की अब्बा जो है वो काम करते हुए बम ब्लास्ट में मर गए। मरते हुए बेटी से कह गए पिटा कुप्पी के पास चले जाओ। मेरा बचना बहुत मुश्किल है, तू दिलशादपुर चले जाना अपनी कुप्पी के पास। तो अगली सीन में शबनम कॉबॉय हैट में घोड़े पे बैठी और पीछे म्यूजिक बजना शुरू हो गई शोले वाला। '84 में ये एक फिल्म आई बसेरा। हमको किसके गम ने मारा ये कहानी फिर सही। उसमें नदीम साहब टैक्सी ड्राइवर है, वो रंगीला किडनैप हो गया उनके पीछे जा रहे हैं, वो पीछे बज रहे टाना 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 ने। शोले मूवी का जो म्यूजिक था वो तो आर डी बर्मन ने दिया था। तो क्या लगता है आपको आर डी बर्मन में ये जो स्पेनिश गिटार था ये कहीं से कॉपी किया, इनकी खुद की क्रिएशन थी? नहीं, आर डी बर्मन इंस्पायर तो बहुत आसानी से हो जाते थे, ये तो है। और उनके बहुत सारे गाने हमने देखे हैं सुने भी हैं कि वो इंस्पायर्ड है। Come and
तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई. The other men have held her, her heart belongs to me. शोले चूंकि वेस्ट वाइल्ड वेस्ट दिखाना था तो वेस्टर्न फिल्में सबसे बड़ी थी. और दूसरा जो फिल्म थी मैकेनाज गोल्ड, वो इंडिया में भी लगी थी, पाकिस्तान में भी लगी थी. उसका जो टाइटल ट्रैक है वो आपको बहुत लगेगा शोले से मिलता हुआ. ओके ओके, मतलब एक्चुअली ये सीन उठाया गया था वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट सर्जियो लियोनी की, जिसको देख के आपको लगेगा कि शोले यहाँ से ली गई है.